अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडियाँ। और अभी तो फिलहाल मैंने इनको धो के जो है वो कुश किया है और अब मैं इनको काटने लगी हूँ। इसके बाद मैं इनको पकाऊंगी, फ्राई करूंगी सबसे पहले। जी जनाब, भिंडियाँ गई हैं कट, तो अब मैं प्याज काटने लगी हूँ। एक्चुअली वैसे तो प्याज मैं नहीं काटती हूँ, क्योंकि जब भी मैं प्याज काटती हूँ मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मेरी आंखें दर्द होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज ज़रा मेरे हस्बैंड बिजी हैं, इसलिए वो मेरी हेल्प नहीं करवा पाए, इसलिए प्याज मैं खुद ही काट रही हूँ। लेट्स सी कि आंसू आते हैं या नहीं आते। अगर आप प्याज को छीलने के बाद ठंडे पानी से धो लें तो मेरा ख्याल है कि थोड़े से आंसू कम आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जितना आप इस्तेमाल करते हैं। मैं तो ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मुझे जब तक खाने में ऑयल नज़र ना आए मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या चीज़? उसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आप इसमें भिंडियाँ ऐड कर दें। इनको तब तक फ्राई करें जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाती, लाइट ब्राउन। देखिए भिंडियाँ जो वो लाइट ब्राउन हो गई हैं, तब मैं इसको किसी प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये जो ऑयल बच गया था इसको वेस्ट नहीं करें, और इसी में जो है ना आप प्याज फ्राई करने के लिए डाल दें। प्याजों को भी लाइट ब्राउनिंग करना है। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो गए, अब इसमें आप टमाटर ऐड कर दें और थोड़ा सा जो है ना वो अनारदाना इस्तेमाल करें। अनारदाने से थोड़ी सी ये खट्टी मीठी बनेगी। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। इसमें आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया था इसलिए आप जो दूसरी मिर्च है रेड वाली उसका इस्तेमाल कम करें। थोड़ा सा नमक ऐड करें। और थोड़ी सी हल्दी। अब इसको थोड़ी देर पकने दीजिए ताकि जो हमने मसाले डाले वो अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स हो जाए। थोड़ा सा आप इसमें पानी का जो है ना वो इस्तेमाल कर लें। प्याजों में जो हमने मसाले डाले थे वो तकरीबन पक चुके हैं, अब आप इसमें जो है ना भिंडियाँ भी डाल दें। थोड़ी देर के लिए जो है ना आप इसे स्टीम देने के लिए बंद करके रख दें।
नहीं जी, हमारी भिंडियाँ तैयार हैं मज़ेदार सी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।